देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की टीम हजारीबाग पहुंची है और कांग्रेस के वैसे लोग जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनसे बात कर रही है और यह तय करेगी कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे। इस सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह जी हैं। इन्होंने भी सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और अपना आवेदन दिया है। टीम आज पहुंची है, आपसे भी वार्ता की, क्या कुछ बात हुई हो? ठीक है, टीम के लोग सारे जितने भी लोग जो जो आवेदन दिए, आवेदन करता है प्रत्याशी का, उन सारे लोग से मिल के उनकी बात को समझ रहे हैं कि उनका जमीनी पकड़ क्या है, उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, इसका उन लोग अवलोकन अच्छे से कर रहे हैं। आपसे वार्ता हुई, उनकी क्या कहा? काफ़ी देर वार्ता हुई। उन्होंने जो हमारे साथ गए थे लोग, प्रखंड अध्यक्ष लोग थे, विसूत्री अध्यक्ष थे और भी जितने भी बहुत तरह के हर समाज के प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने अपनी बातों को रखा, पूछा, उन्होंने बताया। कांग्रेस में लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हमने भी देखा बाहर काफ़ी नारेबाजी आपके लिए हो रही थी। अगर आपको मौका मिलता है तो सदर विधानसभा के लिए क्या विजन है आप? देखिए, सबसे पहले होता है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारा एक स्लोगन भी है, लोकसभा हमारी परंपरा है, तो सबको साथ लेके चलेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ अपने आप ठीक होगा। सबका मान सम्मान करेंगे, सब जो उसका इसका काम प्राथमिकता पे है उसका काम को प्राथमिकता करना है, दुख सुख में खड़ा रहना, यही एक जनप्रतिनिधि काम और क्या है। आप तो हमेशा लोगों के बीच ही रहते हैं, क्या समस्याएं दिखती हैं सदर विधानसभा? समस्याएं बहुत है सदर विधानसभा में, पूरा मेरे पास पूरे एक सदर विधानसभा का डाटा है, जहाँ जहाँ जो समस्या है उसका पूरा एक डाटा हम बना के रखे हुए हैं, वो हम समय पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सी समस्या पर काम करना चाहेंगे? कि हजारीबाग में सबसे ज्यादा जो समस्या है, दो व्यवस्था यहाँ करना ठीक होगा, एक स्वास्थ्य सेवा में सुधार और एक बिजली का सुधार, और सड़कें, कुछ सड़कें हैं जो बहुत खराब हैं, ये तीन काम मुख्य रूप से यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये तीनों आप सबसे पहले अगर विधायक बनते हैं, पहला क्या लगता है आज फैसला? ये हजारीबाग के लोग तय करेंगे और ऊपर वाला भगवती तय करेगी, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं और हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं, जो करेंगे अच्छा होगा। अगर मौका मिलता है तो जनता का पूरा साथ है, ये तो जनता बताएगी, और बाकी आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को मालूम चलेगा, ये हमको थोड़े मालूम चलेगा। हजारीबाग को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, ऐसा क्या कहेंगे? अब यहाँ के लोग से मेरे हमको टिकट मिले थी, उसके बाद यहाँ के लोग से बात कीजिएगा। देखिए, ये मुन्ना सिंह जी, मुन्ना भैया लड़ेंगे हजारीबाग में, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। शशांक शेखर, न्यूज 22 को हजारीबाग। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।